ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो छठा अध्याय नौवां श्लोक। हम चर्चा कर रहे हैं विराट रूप के बारे में, उसकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन के बारे में। श्लोक संख्या 9 को हम पढ़ते हैं। साध्यातम साधि देवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधा एकधा हृदयेन च। विश्वरूप विराट रूप 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति हैं और वे ही एक हृदय हैं जहां जीवन शक्ति सृजित होती है। तो तीन प्रकार मतलब भगवान शरीर मन और इंद्रियां, 10 मतलब क्या है, जीवन शक्ति प्रदान करने वाली समस्त गतियां। ये है हमारी वायु, जो अंदर 10 प्रकार की वायु है जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी। और उसके बाद एक हृदय जहाँ से सारी जीवन शक्ति आती है। कहते हैं ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि हृदय शरीर का केंद्र है, हृदय से ही सारा शरीर चलता है वास्तव में, और भगवान हृदय में ही रहते हैं। जब तक भगवान है तब तक हृदय पंपिंग करता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो भगवद्गीता में कहा गया कि 8 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भगवान की कनिष्ठ शक्ति के उत्पाद हैं। ये हमने सुना पहले भी, 5 तत्व और ये 3 सूक्ष्म तत्व, ये मिलके 8 जो हैं भौतिक तत्व हैं मेनली, और इनका मिश्रण होकर अलग अलग चीज़ें बनती हैं। बता रहे शरीर की गतियाँ सर्वप्रथम हृदय से ही उत्पन्न होती हैं और सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं, जो कि 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से संसार में भगवान शरीर के अंदर भी इस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन हर चीज़ पर भगवान का नियंत्रण है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर पर हमारा नियंत्रण है, नहीं है। हमारे हृदय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं ओके हृदय माई हार्ट प्लीज़ स्टार्ट पंपिंग, प्लीज़ स्टॉप पंपिंग, बहुत थक गए होगे, थोड़ी देर बैठ जाओ। हम कुछ नहीं, कोई निर्देशन नहीं दे रहे हैं, ना अपने हृदय को ना फेफड़ों को, किसी चीज़ को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सब अपने आप चल रही है, इन वायु को जो चल रही है चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि हमें सांस लेने के लिए सोचना पड़ता है कि अब मुझे सांस लेनी है, है ना। हम सो जाते हैं तो हम कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन सांस चलती है। तो ये वायु जो है अंदर से भगवान का ही एक तरह से कंट्रोल है। यहाँ पे दिखाया गया वायु है, हृदय है, मन बुद्धि अहंकार है, अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से ही चल रहा है। स्मरण विश्व सजामीशो विज्ञापित मधोक्षजा विराजमत पत्स्वेन तेजसे ते शेषाम विवर्तये। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा है। बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि देवताओं की पोजीशन वास्तव में क्या है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। तो ये विराट रूप जो है, कई बार बता रहे हैं निर्विशेषवाद लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वो सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व को अनुमान प्रमाणों को चमत्कार देके लगा सकता है। उदाहरण माता के गर्भ के में मनुष्य शरीर का विकास अपने आप से नहीं होता है, इसीलिए तो होता है कि उसके अंदर कोई जीव है, कोई आत्मा है, ये समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये समझता है कि अपने आप ही कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, उससे शरीर बढ़ रहा है, तो मूर्ख है, फिर कैसा साइंटिस्ट है वो। साइंस तो यही कहती है ना कि हर चीज़ का कोई कॉज है, एन इफेक्ट है। अपने आप चीज़ बोलने वाला फिर साइंटिस्ट कहाँ होता, तो फूहड़ गंवार गाँव का हो गया जो कहता अपने आप हो रहा है जी, हमें नहीं मालूम है जी कैसा होता है, अपने आप ही होता है। जो जानता है वो कहता अपने आप नहीं है भैया, ऐसे हो रहा है। अब आप कह रहे हैं बच्चा पेट में अपने आप ही बड़ा हो रहा है, बताइए कोई मजाक है क्या? आपने ऐसा कंप्यूटर पैदा किया जो एक बच्चा कंप्यूटर पैदा कर दे, कितना मजा आ जाए। एक कंप्यूटर खरीदो उसके साथ एक बच्चा फ्री, एक मेल कंप्यूटर पैदा होगा, फिर एक फीमेल कंप्यूटर भी पैदा हो सकती है, फीमेल कंप्यूटर क्या पता और फीमेल और सारे मेल कंप्यूटर या फीमेल पैदा कर दे, कितना बढ़िया है। ऐसा आपने देखा? नहीं देखा हमने ऐसा, तो फिर कैसे कह सकते हैं अपने आप हो रहा है। तो ये जो है ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो भगवान ने सबको समझाने के लिए या अर्जुन को युद्ध में दिखाने के लिए, ताकि कल को कोई
अपने आप को ये ना कहे कि मैं भगवान हूँ। हाँ, प्रभुपाद अक्सर बोलते थे अगर कोई बोले मैं भगवान हूँ तो उसको बोलो चलो अपना विराट रूप दिखाओ। हाँ, वो वाला नहीं जो तुम अपनी पत्नी के सामने दिखाते हो और पत्नी एक जड़ देती है तो विराट रूप नीचे गिर जाता है, वो विराट रूप नहीं देखना है। ऐसा विराट रूप जिससे सारे देवता राक्षस सब घबरा जाएं। हाँ, तुम्हारे विराट रूप से तुम्हारे बच्चे ही नहीं घबराते हैं। आज मुझे कोई बता रहा था घटना, बड़ी दुखद घटना है, सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन किसी माता पिता की कथा है, कहानी है, घटना है कि उनका बच्चा जो है मोबाइल देख रहा था और माता पिता ने थोड़ा सा उसको डांटा। ये हमारे कॉन्ग्रीगेशन की कथा नहीं है बिल्कुल भी, कि वहाँ हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, ये कहीं बाहर की कथा है। जो लोग कहते हैं ना हमारे बच्चों को हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे, तुमने क्या तिलक धारी, चोटी धारी, लुंगी में पता नहीं क्या कपड़ा निकाल लेते हो, क्या बना के पहनते हो, नई स्टाइल की लुंगी बना ली तुम लोगों ने, हमारे पास भेजना नहीं चाहते थे। जब हमने उनको बुलाया कई साल पहले नहीं आए। आज उन्होंने रोते हुए कथा बताई कि उन्होंने अपने बच्चे को रोका मोबाइल देखने के लिए, वो इतना एडिक्ट हो चुका है दसवीं में कि उनके बच्चे ने उनको मारा और उनकी कमीज को फाड़ दिया, एंड ही वॉज क्राइंग। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते हम, इट्स टू लेट नाउ। अब भी कुछ करना है तो जाइए हमारे मंदिरों में, जाइए इस्कॉन के मंदिरों में जाइए, वहाँ अपने बच्चों को ले के जाइए, क्या पता अगले दो चार साल में कुछ परिवर्तन आए। तो ये है, मैं कहना चाहता था कि आपके विराट रूप से तो आपके बच्चे भी नहीं डरते हैं। भगवान का विराट रूप जो है, जब सबने अर्जुन ने देखा तो अर्जुन कांपने लगा था, भगवान बस बंद करो ये पिक्चर को, बंद करो, अपने उसी ओरिजिनल रूप में, वो बड़ा मधुर है। तो भगवान कई बार इस रूप को दिखाते हैं, जब हमें भगवान पर भरोसा नहीं होता, हमें चमत्कार पर जब हमें भरोसा होता बस। तस्याग्निरारस्यं निर्भिन्नं लोकपालो अविष्पदं वाचा स्वांशेन व्यक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते। उनके मुख से अग्नि तथा अथवा ऊष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार से अलग अलग ये जो कार्य संभालने वाले निर्देशक हैं वो अपने अपने पदों पर आ गए। वास्तव में देवता कौन है, ये अलग अलग पदों पर संभालते हैं। जैसे सरकार बनती है तो एक कैबिनेट बनती है, सारे मिनिस्टर्स को उसमें अपॉइंट किया जाता है। उसी तरह से जब जब ये ब्रह्म, ये जो देवताओं का जब समय समाप्त होता है, देवताओं ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदलते हैं और उस समय ये सारी सरकार बदलती है। वास्तव में ये है स्पिरिचुअल, क्या कहते हैं उसको, SST पॉलिटिकल साइंस, स्पिरिचुअल पॉलिटिकल साइंस। जैसे आप सुनते हैं ना ये 5 साल, 2 साल, 3 साल, लोकसभा, राज्यसभा, म्यूनिसिपैलिटी, ऐसा ही कुछ कुछ इलेक्शन हमारे आध्यात्मिक जगत के लिए भी होते हैं। ऑल दो वहाँ पे आपको वोट नहीं देनी पड़ती है क्योंकि कृष्णा इज ऑल परफेक्ट, ही नोज कि किसको कहाँ पे स्थापित करना है। तो वहाँ पर भी इस प्रकार 14 बार मनु बदलते हैं, सरकार बदलती है ब्रह्मा जी के एक दिन में, कई लंबा समय है बदलने का। निर्भिन्नम तालु वर्णो लोकपालो अविषद्धरे जिव्या शेन चरसम ययासो प्रतिपद्यते। जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निर्देशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, हाँ, जिससे जीव को अपनी जीव से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा मिलती है। तो कैसे हम अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भगवान का ये जो विराट रूप है ये हमारे शरीर के अंगों को भी रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे देवताओं को रिप्रेजेंट करता है, कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी लिंकिंग करी जा रही है कि भगवान विराट रूप का तालु प्रकट हुआ तो वरुण देव उसमें आए, लोगों में वायु का निर्देशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुए और उसके बाद जीव से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त हुई। उसके बाद जब भगवान के दो नथुने प्रकट हुए, निर्भिन्ने अश्विनो नासे विष्णो राविशतां पदम घ्राणे नाशेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। जब भगवान के दो नथुने प्रकट हुए तो दो अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार ये भी ये हॉस्पिटल्स का काम संभालते हैं, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। लेकिन ये बड़े अद्भुत हैं, ये आदमी के ऊपर घोड़े का सर लगा के उसको जिंदा कर सकते हैं, ऐसी कला इनके पास है। कुछ भी कहीं से भी जोड़ जाड़ के, अभी तो हम लोग शायद किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम सुनते हैं। परसों में एक डॉक्टर से मिल रहा था, वो डॉक्टर मुझे खुद ही बोलते हैं कहते हैं जी किडनी का कोई इलाज नहीं है, किडनी खराब होने पर किडनी अगर ट्रांसप्लांट करते हैं वो सब बकवास है,
मैं सुन के हैरान हो गया, और डॉक्टर मुझे बोल रहा था कि अरे सब बकवास है, वो चलती नहीं है, उसकी लाइफ नहीं है, वर्क नहीं करती ज़्यादा लंबे समय तक। हाँ तो लेकिन ये अश्विनी कुमार तो सर बदल देते हैं, बताइए सर तो बदलना कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि ये जो सर गर्दन है ना पीछे, यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम सारा यहीं पर है, ये घट गया तो सब खत्म है। तो इसके बाद इसको जोड़ देना और दूसरा लगा देना, आपने देखा ही है कैसे गणेश जी का सर जुड़ा है। तो इस प्रकार अश्विनी कुमार जो है बड़े बड़े काम कर देते हैं। तो हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है वास्तव में। तो वो प्रकट हुए, प्रवेश कर गए इसमें नथुनों में, इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सुन सकते हैं। निर्भिन्ने अक्षणी त्वष्टा लोकपालो अभिषाद्विभो चक्षुषाशेन रूपाणाम प्रतिपर्तियतो भवेत। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हो गई, प्रकाश का निर्देशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उसमें प्रविष्ट हुए। सूर्यदेव प्रकाश देख पाना ये शक्ति देते हैं, तो जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं। तो ये अलग अलग देवता बेसिकली अब आ रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन को संभाल रहे हैं, ये भगवान के विराट रूप पर लेकिन डिपेंडेंट हैं। हाँ अब प्राइम मिनिस्टर ही तो बताता है ना कि मैंने ये मिनिस्ट्री बनाई है, तुम इसको कल से ग्रहण करोगे, ये शक्ति तो प्राइम मिनिस्टर ही देता है ना कैबिनेट को। तो यहाँ पर भगवान ये शक्तियाँ इनको दे रहे हैं अपने ही शरीर के आधार पर। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो अनिलो अविशत प्राणेनाशेन संस्पर्शम येनासो प्रतिपद्यते। जब विराट रूप में त्वचा पृथक हुई तो वायु का निर्देशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुए। वायु का निर्देशक देव अनिल, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, वायु में स्पर्श की फीलिंग है। इस प्रकार कर्णावस्य विना विनिर्भिन्नो धिष्णयम स्व विविशुर्दिशा श्रोत्रेणाशेन शब्दस्य सिद्धिम येन प्रपद्यते। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी देश दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए। सभी दिशाओं के नियंत्रक, हाँ, जब कान प्रकट हुए जिससे कि वो जीव सुन सकें और ध्वनि का लाभ उठा सकें। बता रहे हैं प्रभुपाद, बता रहे हैं कि कान जो है जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप जानते हैं ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तुओं का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान से प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। यानी कि हमें जो वैदिक ज्ञान भी मिलता है वो हमारे कानों से मिलता है। हाँ, अगर हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो कान के साथ मन को भी लगाना पड़ता है। कान ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करते रहे जैसे जानवर कई बार करते हैं, ध्यान कहीं और है, कान के साथ मन को भी लगाना पड़ता है, तभी चेतना में चेंज आता है। तो संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इतने ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है। ज्ञान जो है देख कर नहीं लिया जाता है, ये कोई लैब में जानने का विषय नहीं है कि चलो देखते हैं इसको, इससे मिलाते हैं, धूम होता है या कुछ नई चीज़ बनती है, ऐसे करने लगोगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा। ये इतना आसान विषय नहीं है कि आप थोड़ी देर लैब में देख के बिताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये केवल एक्सपीरियंस लोगों से समरी को समझना पड़ेगा। इतनी ज़िंदगी है, बहुत कम ज़िंदगी है, 80-90 साल 100 साल बहुत कम है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगला जन्म लोगे तो आपका मेमोरी वॉश कर दी जाती है, फिर से स्टार्ट करते हो। इसलिए एक्सपीरियंस लोगों से समरी में समझ जाएं उतना ही इनफ है। इसके लिए कान बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता स्थिति लेते जा रहे हैं और उनका महत्व हम सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद की जय। गंधराज श्रीमद्भागवतम की जय।